क्या आप जानते हैं कि कुछ किडनी स्टोन्स अनाज के दाने जितने छोटे और कुछ मटर के दाने जितने बड़े होते हैं। एक इंसान में स्टोन का साइज 5 इंच से भी ज़्यादा बढ़ गया और वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ गया। करीब 10 में से एक इंसान में किडनी स्टोन्स होना आम बात है। आज के वीडियो में हम आपको किडनी स्टोन्स के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। किडनी स्टोन्स, जिसे हिंदी में गुर्दे की पथरी कहा जाता है, सच में एक पत्थर की तरह ही कड़क होता है। ये यूरिन में पाए जाने वाले केमिकल से भी बनता है। ये स्टोन्स यूजुअली किडनीज या फिर उनसे निकलने वाली नली, जिसे यूरेटर कहते हैं, उसमें फंस जाते हैं। किडनी स्टोन्स कई पदार्थों से बनते हैं, पर ज़्यादातर इन 4 पदार्थों से वो बनते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन, स्ट्रुवाइट स्टोन और सिस्टीन स्टोन्स। किडनी स्टोन्स आखिर होते क्यों हैं? यूरिन में कई प्रकार के वेस्ट मटेरियल्स घुल जाते हैं। जब भी यूरिन में बहुत अधिक वेस्ट और कम लिक्विड हो तो क्रिस्टल्स बनना शुरू होते हैं। ये क्रिस्टल्स आसपास के तत्वों से आकर्षित करते हैं और एक ठोस वस्तु बनाने के लिए एक साथ जुड़ जाते हैं। ये सॉलिड मटेरियल तब तक बढ़ते जाएंगे जब तक वो शरीर से निकल नहीं जाते। किडनी स्टोन्स होने के ये सारी वजहें हो सकती हैं, जैसे कि कम फ्लूइड्स पीना, डिहाइड्रेशन, खाने में नमक और प्रोटीन का सेवन ज़्यादा होना और फाइबर का कम होना, ज़्यादातर बेड पर रहना या फिर काफ़ी कम मूवमेंट होना, मोटापा, आंतड़ियों का रोग जैसे कि क्रोन्स डिजीज होना, पेशेंट्स या फैमिली की किडनी स्टोन्स की हिस्ट्री होना। इसके अलावा आपको कुछ दवाइयों से भी किडनी स्टोन हो सकता है, जैसे कि एस्पिरिन, एंटासिड, एंटीबायोटिक्स, विटामिन सी और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ज़्यादा खाने की वजह से भी किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इनकी वजह से भी किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। किडनी स्टोन्स के लक्षण क्या हैं? आमतौर पर किडनी स्टोन्स तब तक सिम्टम्स पैदा नहीं करेंगे जब तक कि वह आपकी किडनी से यूरेटर या यूरेथ्रा में ना फंस जाए। यदि यह यूरेटर में फंस जाता है तो ये यूरिन के फ्लो को ब्लॉक हो कर सकते हैं और फिर किडनी में सूजन पैदा कर सकते हैं। उस समय आप इन सिम्टम्स का अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि बाजू और पीठ में तेज़ दर्द होना, पेशाब पास करने की लगातार आवश्यकता लगना, पेशाब करने में कठिनाई, पेशाब करते समय जलन महसूस करना, पेशाब का कलर बहुत पीला या रेड होना, पेशाब क्लाउडी दिखना और दुर्गंधी आना, उल्टी होना, बुखार और ठंड लगना। यदि आप इन सिम्टम्स में से किसी का अनुभव कर रहे हैं तो आज ही प्रैक्टो केयर सर्जरी के माध्यम से एक एक्सपर्ट सर्जन से बात करें। वो आपको सजेस्ट करेंगे आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको ये समझाने में मदद की है कि किडनी स्टोन्स क्या है और कैसे होते हैं, तो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।